आपको सुनकर हैरानी होगी, अंग्रेजों के देश में खेत जोतने वाला पहला हल 1760 में बना, वो भी भारत के हल की नकल करके। उसके पहले हल ही नहीं था उनके पास। अब जिस देश के किसानों के पास हल ना हो वो खेत में क्या जोत लेंगे, और वैसे भी खेत में कुछ होता नहीं, वहां तो खेती तो थी नहीं, खेती नहीं थी, उद्योग नहीं था। इंग्लैंड का भी वही हाल था जो जर्मनी की कहानी मैंने सुनाई, ये तो पूरे यूरोप का ऐसा ही हाल था। तो उनके यहाँ कुछ होता नहीं था, तो जिंदगी कैसे कटती थी उनकी, तो समुद्र के रास्ते पर ये इंग्लैंड पड़ता है, ये इनके भगवान ने नसीब में दे दिया समुद्र के किनारे, और उस रास्ते से सब जहाज जाते हैं। अगर आपको अमेरिका जाना है तो वहां से जाना पड़ेगा, अफ्रीका जाना है तो वहां से गुजरना पड़ेगा, लैटिन अमेरिका जाना है तो वहां से गुजरना पड़ेगा। तो इंग्लैंड का लंदन एक ऐसी जगह पर है जहां से अक्सर पानी के जहाज गुजरते थे व्यापार करने वाले, और दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करते थे दो देश, एक भारत और एक चीन, और इनके जहाज जाया करते थे अक्सर। तो उन जहाजों को ये अंग्रेज लूटते थे। तो भारत से जो जहाज कलकत्ता वाले इलाके के होते थे, ईस्ट इंडिया वाला, पूर्वी भारत का इलाका, वो जहाज भरे हुए होते थे माल से, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, और बहुत प्रचंड माल रहता था। अंग्रेज जब लूटते थे तो बहुत मिलता था उनको, इसलिए उनको लगा कि भारत का जो ईस्ट पार्ट है ये बहुत समृद्धशाली है, यहीं लूटना है हमको, तो नाम रखा ईस्ट इंडिया। ये तो चालाकी अंग्रेजों की हमेशा से है, अंग्रेजों की नहीं, यूरोप के लोगों की। जिस देश में जाओ उसी देश का नाम अपनी कंपनी के साथ लगाओ, हिंदुस्तान लीवर, सुना है कि नहीं? कंपनी तो मूलतः इंग्लैंड की है ना, यूनिलीवर, नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर, ताकि आपको उल्लू बना सकें कि भारत की कंपनी। करोड़ों भारतवासियों को मालूम नहीं हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी है, पढ़े लिखों को मालूम नहीं। वो तो मुझे तर्क करते हैं, राजीव भाई ये तो भारत की कंपनी है ना, नाम में हिंदुस्तान लगा हुआ है। ऐसी ही कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतवासियों को लगे कि ये भारत की कंपनी, तो आ गए लेके उसको। अब पैसे तो थे नहीं, क्योंकि ये कंपनी दिवालिया थी। जब कंपनी बनी ना, तो मैंने वो मिनट्स देखी इनकी, 1599 वाली, उनकी मिनट्स वहां लंदन में रखी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस रहा लंदन में, वहां पुराने रिकॉर्ड्स हैं। तो देखा तो इनकी इनिशियल पेड अप कैपिटल जीरो थी, शून्य, पैसे ही नहीं किसी की जेब में, और कंपनी बना ली। तो कैसी कंपनी होगी अंदाजा लगा लो, पैसे तो थे ही नहीं।